हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश मिटवाल आपका स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर। तो अब हमारी जो वीडियोस की सीरीज चलेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं, फिर हम लोग कैपेसिटेंस को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट से ही आपका कैपेसिटेंस वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। तो अभी मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी समझ बनानी है तो इसमें हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के अंदर दो चीजें पढ़नी होती है बेसिकली। एक होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और एक होता है हमारा पोटेंशियल। तो मैं आज आपको एक बेसिक क्लास के अंदर यही समझाने वाला हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज होती है और पोटेंशियल क्या चीज होती है, हम दोनों को कैसे समझेंगे और उनके कॉन्सेप्ट हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। तो आपने क्या किया, जब आप बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है आपकी, देखिए आप समझते हैं। तो जैसे आपको एक सिंपल एग्जाम्पल मैं देता हूं, जैसे आपने देखा होगा कि जो पानी है वो ऊंचे से नीचे की तरफ को फ्लो होता है, पहाड़ों से नीचे की तरफ को होता है। तो वॉटर का फ्लो जो है वो हाई पॉइंट से लो पॉइंट की तरफ होता है। आप इसी तरीके से अपने घर में देखते हैं, सिंटेक्स में पानी ऊपर रखे रहता है, वहां से नीचे की तरफ को फ्लो करता है। तो कभी भी टेम्परेचर की बात आप कर लें, तो अगर अभी रॉड लेते हैं आप, यहां टेम्परेचर ज्यादा है, यहां टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर हाई से लो की तरफ फ्लो होता है। तो मैंने कहा वॉटर का फ्लो हाई से लो की तरफ होता है, टेम्परेचर का फ्लो बच्चों आपका हाई से लो की तरफ होता है। तो जिस तरीके से आप देखते हैं कि आपका जो पानी है हाई से लो की वजह से या हाइट के डिफरेंस की वजह से फ्लो होता है। जैसे अगर मान लो सरफेस फ्लैट हो, उसमें आप पानी गिरा दें, तो फ्लैट सरफेस पे पानी गिरा देंगे तो वो फ्लो नहीं होने वाला है, वो एक जगह पे रुक जाएगा। तो अगर वाटर का मुझे फ्लो करवाना है तो मैं वाटर का फ्लो सिर्फ तब करा पाऊंगा जब अगर मैं फ्लैट सरफेस में डिफरेंस लेके आ जाता हूं, इसको एक साइड नीचे कर देता हूं, एक साइड को ऊपर रहने देता हूं। तो अगर हाइट का डिफरेंस आता है तो मेरा पानी फ्लो करेगा, हाइट का डिफरेंस नहीं आएगा तो वाटर फ्लो नहीं करेगा। तो बच्चों, जैसे हाइट के डिफरेंस की वजह से वाटर का फ्लो होना और ना होना डिपेंड होता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस अगर होगा तो आपकी करंट फ्लो करेगी, अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगी। तो सिंपल आप यह समझ के चलिए, पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए जरूरी हो जाता है कि जब किसी सर्किट के अंदर, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई कंडक्टर लगाया इस तरीके से, और यहाँ पे मैंने आपका ये बैटरी लगाई, आपका यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे निगेटिव होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर होगा तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। मान लो आप किसी सर्किट के साथ आप एक मान लीजिए बल्ब को जोड़ देते हैं, ठीक है। सर्किट का मतलब क्या हो गया, आप सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे आपके पास कोई बैटरी है, उस बैटरी से आप बल्ब को जला रहे हैं। घर में हमारे इन्वर्टर लगा होता है, इन्वर्टर से आप लोग देखिए, इन्वर्टर से आप लोग बल्ब जला रहे हैं, या मान लो टीवी चल रहा है, तो क्या होता है, जब तक आपकी लाइट रहती है तब तक तो चलेगा, लाइट से लगी, मान लीजिए आज अभी लाइट चले गई है और अगले 20 घंटे 25 घंटे या 2-3 दिन तक लाइट नहीं आती है, तो इन्वर्टर कैसे काम करेगा। जब तक इन्वर्टर चार्ज है, तो चार्ज है तो वो हाई पोटेंशियल में है। आपका जैसे जैसे क्या होगा, उसका चार्ज कम होता जाएगा, तो पोटेंशियल उसका जैसे जैसे मतलब यूज होते जा रहा है, तो जैसे जैसे उसका पोटेंशियल डाउन होते जाएगा, उसके बाद क्या होगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब बल्ब का पोटेंशियल और बैटरी का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो करंट कब फ्लो करेगा, जब सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस रहता है तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा, और अगर नहीं रहता है तो सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा। तो आप बोलेंगे जैसे कि वाटर फ्लोस फ्रॉम हाई पोटेंशियल या हाई पॉइंट टू द लो पॉइंट, ऊंचे से नीचे की तरफ फ्लो होता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपका करंट जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो करंट हमारा इसके बाद कैपेसिटेंस के बाद करंट चैप्टर बनना है। तो करंट के लिए भी हमने बेसिक पढ़ लिया कि करंट फ्लोज इन अ सर्किट ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, इफ इन अ सर्किट देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस करंट विल फ्लो, इफ देयर इज नॉट पोटेंशियल डिफरेंस करंट विल नॉट फ्लो। तो करंट कब फ्लो करता है, जब सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो आप इसको ऐसे करके समझिए, अब हमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस को समझना है तो हम इसको कैसे समझते हैं, पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं,
उसके बाद हम लोग पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे। पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पर होता है और पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंटों के बीच का डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इसमें लिख देंगे एक सिंपल सी डेफिनेशन, अगर वैसे ही समझना है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस, इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं, उन दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अगर दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो एक पॉइंट पे पोटेंशियल 20 है, एक पे 15 है, तो डिफरेंस कितने का आ गया 5 का। तो एक पॉइंट के पोटेंशियल में से दूसरे पॉइंट के पोटेंशियल को हम लोग माइनस कर देते हैं एंड दैट डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं इसको समझने के लिए, मान लो एक कोई प्लस क्यू सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज, इससे यहां पे कोई बी पॉइंट है और यहां पे आपका ए पॉइंट है, इससे आपने ले लिया दो पॉइंट, एक पॉइंट बी हो गया और एक पॉइंट ए हो गया, ठीक है। यहां पे क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज, इस टेस्ट चार्ज को मैं इधर को मूव करा रहा हूं, मैं कहां से कहां मूव करा रहा हूं, ए से बी तक मूव करता हूं। तो देखो लेट लेट प्लस क्यू बी अ सोर्स चार्ज, प्लस क्यू बी अ सोर्स चार्ज एंड अ टेस्ट चार्ज, एंड अ टेस्ट चार्ज इज मूव्ड, एंड अ टेस्ट चार्ज इज मूव्ड, अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी। जो आपका टेस्ट चार्ज है वो पॉइंट ए से बी तक आपका मूव कराया गया। अब बच्चों यहां ध्यान दो, अब यह समझिए ये आपका जो सोर्स चार्ज है ये भी पॉजिटिव है और ये क्यू नॉट भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर आप इस क्यू नॉट को इधर लेके जाएंगे तो आप ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मान लीजिए एक मैग्नेट है, दूसरा मैग्नेट है, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को रिपेल कर रहा है, तो अगर मैं दूसरे मैग्नेट को पहले मैग्नेट की तरफ लेके जाता हूं तो उसने रिपेल करना है। अब अगर वो रिपेल करने वाला है तो रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि मैं ए से बी इसको मूव करा रहा हूं टेस्ट चार्ज को, तो ए से बी मूव कराने के लिए मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, ए से बी मूव कराने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि क्यू वाला क्यू नॉट वाले का अपोज कर रहा है। तो मान लेते हैं ए से बी लेके जाने के लिए हमारा जो वर्क डन है वो डब्ल्यू ए बी है, तो इसमें लिखेंगे लेट डब्ल्यू ए बी बी द वर्क डन, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग, इन डिस्प्लेसिंग क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी अगेंस्ट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। अब याद ध्यान दो, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था कैप्सूल की बात बोली थी, मैंने बोला था कि एक ही कैप्सूल लगेगी पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, वो आपको फिर से दिख गया। क्या बोला था, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्यू नॉट कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है कि क्यू है, तो मुझे सिंपल सा एक ही कॉन्सेप्ट आता है, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्यू क्यू नॉट को रिपेल करेगा। तो क्यू नॉट को अगर मैं क्यू के पास लेके जाना चाहता हूं तो ए बता इधर, उसको अपोज करेगा, उसको पास नहीं आने देगा। तो जब वो उसका अपोज कर रहा है तो मुझे जबरदस्ती उसको लेके जाना है, ठीक है, तो मुझे वो वर्क डन करना पड़ रहा है। और वो वर्क डन कितना है, डब्ल्यू ए बी। मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरा दिमाग तो खराब हो नहीं गया, मैं क्यों कर रहा हूँ वर्क डन, क्योंकि ये कह रहा है कि मैं आने दो। मैंने कहा अच्छा तू नहीं आने देगा तो बताते हैं तेरे को, इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं किसको, क्यू को। तो हमें वो बताने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, डब्ल्यू ए बी वर्क डन हम लोग करते हैं। तो क्या होता है बच्चों, देखो इसको आप जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर ले।
क्या हो जाएगा, देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, उसको हम लोग वी से दिखा देते हैं सपोज, तो हो जाएगा आपका वी बी माइनस वी ए, ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए हो जाएगा, बी पे पोटेंशियल माइनस ए पे पोटेंशियल, ये ज्यादा होगा इसके नजदीक है तो यहाँ पोटेंशियल ज्यादा होगा और ये इसके दूर है तो यहाँ पोटेंशियल कम होगा, इसको ज्यादा डर लगेगा मान लो अगर ये डरा रहा है इसको क्यू क्यू नॉट को, और ए वाले पे कम लगेगा, तो हम यहाँ ध्यान देते हैं वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, तो ये फॉर्मूला होता है। इसको अगर डिफाइन करना है तो आपके पास, इसको हम ऐसे करते हैं, देखो डिफाइन करने के लिए मैंने आपको पहले भी समझाया है कि अननोन को हम लोग नोन के टर्म्स में डिफाइन करते हैं, जैसे आप शादी में कहीं जा रहे हैं किसी को आपको डिफाइन करना है तो आप बोलते हैं ना हाँ वो क्रिस गेल की तरह लगता है, कैटरीना की तरह लगता है, इसकी तरह आप बोलते हैं थोड़ा वो मेकअप कर ले तो कैटरीना लगेगी इस टाइप से, तो आप क्या कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं, एक अननोन को आपको डिफाइन करना है तो आप नोन के टर्म्स में डिफाइन करते हैं, अगर हम कहते हैं ऐसा हो जाए तो हम उसको डिफाइन करते हैं, जो और जो भी हमारे लिए न्यू टर्म होगा वो हमारे लिए हमेशा याद रखना अननोन है, तो अभी सीक्वेंस से पढ़ते हुए पोटेंशियल आया, पोटेंशियल मेरे लिए न्यू टर्म है तो ये मेरे लिए अननोन हो गया, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, मैं बोलता हूं यहीं पे देखो इफ क्यू नॉट इक्वल टू वन, मैंने कहा कि अगर क्यू नॉट वन हो जाए तो वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए जो है वो डब्ल्यू ए बी हो जाएगा। अब देखो वी बी माइनस वी ए क्या है, वी बी माइनस वी ए इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, वी बी माइनस वी ए इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो जो ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा वर्क डन के, ठीक है, तो आप यहां पे लिख देते हैं डेफिनेशन लिख देंगे द पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी लिख देता हूं, देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग कैसा चार्ज है, Q नॉट की वैल्यू कितनी है 1, इन डिस्प्लेसिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, ठीक है, तो हमने कहा कि दो पॉइंटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो हम कह रहे हैं कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस किसी चीज के इक्वल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सिंपली इक्वल टू वर्क डन, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि आपके पास, आप उस चार्ज के पास जा रहे थे तो क्यू नॉट का अपोज कर रहा था, अब सोचो अगर जो आप पहला चार्ज बोल रहे हैं अगर वो भयंकर है बड़ा है और दूसरा उसके कंपैरिजन में छोटा है, आप दोनों के पास जा रहे हैं तो जो बड़ा वाला है उसके पास जाने के लिए आपको ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो वर्क डन की रिक्वायरमेंट होती है उस वर्क डन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, कब, जब चार्ज यूनिट हो, तो हमने बोल दिया कि यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है दैट वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो आगे हम लोग इसकी देखते हैं कि यूनिट क्या चीज होती है, देखिए इसको यूनिट डिफाइन कर देते हैं और फिर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर देंगे, ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, तो देखो हमने क्या लिखा था अभी, V इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखो बच्चों पहले तो एक सिंपल सी यूनिट अगर आपको देख रहा है तो W वर्क की क्या होती है आपकी, देखो वर्क की यूनिट होती है जूल, तो यहाँ पे देखो जूल पर कूलम, तो आप इसकी यूनिट देखेंगे तो जूल पर कूलम हो गई, अगर आप वैसे सिंपली यूनिट इसकी देख रहे हैं तो जूल पर कूलम हो गई, या फिर इसको बोलते हैं वोल्ट, ठीक है, जो आपकी V पोटेंशियल की यूनिट होती है उसको हम वोल्ट बोल देते हैं, तो अगर अब आपसे बोल दिया जाए कि भाई वोल्ट को डिफाइन करो कि वोल्ट क्या चीज होती है, तो आप बोल देंगे, आपने बोला 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम, ठीक है, तो आप बोल देंगे कि 1 वोल्ट वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो क्या हो जाएगा 1 कूलम के चार्ज को मूव कराने के लिए, जब 1 कूलम के चार्ज को मूव कराने में 1 जूल वर्क होगा तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे 1
वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब अगर ए से बी जाने में मैं 1 कूलम के चार्ज को लेके जाता हूं और 1 कूलम के चार्ज को लेके जाने के लिए अगर मुझे 1 जूल का वर्क डन करना पड़े, तो 1 कूलम के चार्ज को लेके जाने में जब 1 जूल का मुझे वर्क डन करना पड़ता है, तो वहां पे उन दो पॉइंटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट हो जाएगा। सिंपल 1 वोल्ट क्या है, 1 कूलम के चार्ज को मूव कराना है आपने, किसको मूव कराना है, 1 कूलम के चार्ज को मूव कराना है, और 1 कूलम के चार्ज को मूव कराने के लिए अगर 1 जूल का वर्क होता है तो वहां पे जो पोटेंशियल होगा उसको हम लोग बोल देंगे, या पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा हम बोल देंगे वहां पे, वो पोटेंशियल डिफरेंस आपका 1 वोल्ट का होगा। तो हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, हमने कहा कि चार्ज को मूव कराना है सर्किट के अंदर, करंट फ्लो करवाना है, तो सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो पार्टिकल आपका मूव करेगा या चार्ज मूव करेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो चार्ज मूव नहीं करेगा। फिर हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखना है तो VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB अपॉन Q नॉट, मींस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लेके जाने में, यूनिट चार्ज को लेके जाने में जो वर्क डन होगा, उस वर्क डन को हम उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। फिर हमने देखी इसकी यूनिट, तो हमने कहा भाई इसको जूल पर कूलम भी बोल सकते हैं, जूल पर कूलम को 1 वोल्ट कहते हैं। हमसे पूछा जाए 1 वोल्ट क्या है, तो मैं बोलूंगा अगर यूनिट चार्ज को 1 कूलम के चार्ज को मूव कराने में 1 जूल का वर्क डन हो, तो 1 जूल का वर्क डन जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 वोल्ट। तो वहां पे हम बोलेंगे कि उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट का है। तो ये तो बच्चों हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस। अब होता है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखने में थोड़ा सा बच्चे को लगता है कि यार भाई पहले तो हमें पढ़ना चाहिए था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन होता तो फिर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लेते। ऐसा नहीं होता, पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करेंगे, फिर हम लोग जाने वाले हैं पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें डिफाइन करना है। तो हमारे पास टॉपिक है, देखो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको आप कैसे करते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेम चीजें हम लोग सारी पढ़ रहे हैं। ए है, ए से हमको बी जाना है, ए से बी जाने के लिए हमें जो वर्क डन है सेम चीज लिख लेंगे। लेट क्यू बी आर सोर्स चार्ज, जो भी मैंने पहले वाले में लिखाया था, एंड अ पार्टिकल इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी, तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। ये तो पीछे वाले में से आप लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे, वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए अपॉन डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। बच्चों ये सोचते हैं हम लोग जो ए पॉइंट है सपोज वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, अब यहां पे हम लोग थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं, इसको मैं यहां बना देता हूं दोबारा से। ये क्यू रखा हुआ था आपका, ये क्यू नॉट रखा हुआ है, ये बी पॉइंट हो गया, और ऐसे डॉट 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 करके हम यहां पे इन्फिनिटी लिख देते हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर जो पार्टिकल क्यू नॉट है वो इन्फिनिटी से मूव कराया जाए, तो बच्चे अक्सर सोचते हैं कि भाई इन्फिनिटी क्या चीज होती है, इन्फिनिटी की समझ बनाने की कोशिश करते हैं। तो इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, देखो इनफाइनाइट ऐसा नहीं कि वो कुछ बोलते हैं बहुत दूर से आ रहा तो वो इन्फिनिटी होगा, नहीं, इन्फिनिटी को आपको समझना है। जैसे कोई मैग्नेट रखा हुआ है, एक मैग्नेट रखा है, दूसरे मैग्नेट को उसके पास लाओगे तो उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, लेकिन बच्चों एक सर्टेन रीजन में तो करेगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर एक मैग्नेट यहाँ रखा है दूसरा तुम्हारे पास रखा हुआ है या किसी और बगल वाले के घर में रखा हुआ है, तो मेरा ये मैग्नेट उस मैग्नेट को उस केस में अट्रैक्ट करने वाला नहीं है। तो मेरा मैग्नेट कब अट्रैक्ट करेगा, जब आपका एक मैग्नेट के पास दूसरा मैग्नेट रखा होगा। जैसे मान लो ये मैग्नेट है और ये इसके पास रखा जाएगा तो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो वो डिस्टेंस जहां से ये इसको अट्रैक्ट या रिपेल करना छोड़ देता है, इसको पता ही नहीं चलता ये कहां है, वो इन्फिनिटी हो गया। सपोज आप ऐसे देखिए, ये कोई चार्ज है, ये चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये Q है, अगर Q नॉट आपका यहां रख दिया जाए, इसके बाहर रख दो, तो ये इसके लिए इनफाइनाइट हो गया, मतलब वो नेटवर्क कवरेज एरिया के बाहर हो गया, अब ये कभी भी इसको खींच नहीं सकता है। तो जब इसके ये बाहर रख दिया जाएगा तो ये इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी मीन्स वो पॉइंट जहां पे उसकी प्रेजेंस नहीं होगी। तो अगर मैं बात करता हूं कि मैं Q नॉट को इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूं, तो इन्फिनिटी मतलब जहां पे इसकी कवरेज है ही नहीं, तो अगर इसकी कवरेज नहीं है तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होता है। आप आराम से समझिए, पोटेंशियल को आप ऐसे समझ के चलिए, मान लो पोटेंशियल वर्क डन के इक्वल है, या पोटेंशियल मतलब आप मान लो ताकत से बात कर लेते हैं, तो इन्फिनिटी पे अगर आप जाके देखोगे तो इन्फिनिटी मीन्स ये पॉइंट है, इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब हो गया वो पॉइंट जहां पे इसकी प्रेजेंस का कोई पता ही नहीं चल रहा है।
तुझे पता ही नहीं चल रहा तो वहां पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसलिए हम लोग डेफिनेशन में इन्फिनिटी से लेके आते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी वो पॉइंट होता है जहां पे हमें पता है हम उस पॉइंट की बात कर रहे हैं जहां पे पोटेंशियल जीरो होगा। तो हम सिंपल कह देते हैं कि अगर ए पॉइंट इन्फिनिटी पे है, मतलब क्यू नॉट को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट बी तक लेके आ रहे हैं, तो वहां पे जो आपका पोटेंशियल होगा, क्योंकि बी पे यहां पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ए पे जीरो, ए कहां है इन्फिनिटी पे, तो हम यहां कहते हैं लेट लेट क्यू नॉट बी मूव्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए टू पॉइंट बी। हम इसको इन्फिनिटी से पॉइंट बी पे मूव कर रहे हैं, तो अब क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले ध्यान दीजिए वी ए और वी इन्फिनिटी, तो ए पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी पे हो गया ना, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, और इन्फाइनिट का पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। और ठीक है, और आपके पास डब्ल्यू जो ए बी है उसको आप लोग डब्ल्यू इन्फाइनाइट बी लिख दें, क्योंकि ए पॉइंट इन्फिनिटी है, उसको डब्ल्यू से मान लीजिए मैंने डब्ल्यू कह दिया उसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए था, वी ए की जगह जीरो हो जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो यहां से क्या हो गया, देखो वी इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो अब यहां ध्यान दीजिए, ये जो फॉर्मूला है पोटेंशियल का, ये आपका बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकल के आ गया, दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो क्या हो जाएगा, दिस इज द पोटेंशियल पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो मैंने क्या समझा कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो मैं क्या करता हूं, इन्फिनिटी से मूव कर देता हूं। अगर मैं पार्टिकल को इन्फिनिटी से मूव कर रहा हूं तो उस कंडीशन में इनफाइनाइट पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होगा, तो जिस पॉइंट तक लेके आता हूं उस पॉइंट का मुझे पोटेंशियल मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि इनफाइनाइट जीरो, जैसे हम चीजों को काउंट करते हैं तो हम स्टार्टिंग जीरो से करते हैं ना, एक जीरो पैरामीटर लेके चलते हैं, जैसे हम लोग पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने भी जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मीटर वो जीरो करके दिखाता है, स्टार्टिंग जीरो से करता है। तो इसलिए इनफाइनाइट वो पोटेंशियल पे चला, वो पॉइंट पे चला गया मैं जहां पे पोटेंशियल मेरा जीरो है। तो अब भाई पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करें, पोटेंशियल डिफरेंस से पोटेंशियल निकाल लें। तो अगर मुझे एक पॉइंट जो ए है उसका पोटेंशियल मुझे पता है इन्फिनिटी पे, इसका पोटेंशियल जीरो है, तो इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेके आने में जो वर्क डन होगा वो एक्चुअल में पोटेंशियल होगा बी पॉइंट का, क्योंकि ए पे तो पोटेंशियल कितना है, जीरो है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर वी बी माइनस वी ए निकालता हूं और वी ए अगर जीरो है तो एक्चुअल में वी बी की वैल्यू निकालनी है। तो जिस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना होता है उस पॉइंट पे आप पार्टिकल को लेके आते हैं, चार्ज पार्टिकल को, और लेके कहां से आ रहे हैं आप, इन्फिनिटी से, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल आपका जीरो है। तो आपने ये बोल दिया, अब पोटेंशियल को डिफाइन करना है मुझे। तो देखो यहां पे इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, चलो मैं यहीं पे डिफाइन कर देता हूं। इसके बाद मैं बोल दूं इफ क्यू नॉट इज इक्वल टू वन, यहां पे देखो क्यू नॉट वन हो जाएगा तो वी इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो इसको आप कैसे समझते हैं, वही वाली बात आपने बोला कि अगर अननोन हो गया पोटेंशियल, उसको डिफाइन करना तो वर्क तो नोन है, तो मैंने कहा अगर क्यू नॉट वन हो जाए तो वी वी बी के इक्वल है डब्ल्यू, मीन्स इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज को मूव करने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन ही आपका पोटेंशियल है। तो मेरी डेफिनेशन क्या हो गई, द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सोर्स चार्ज, ऑफ अ सोर्स चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पे डेफिनेशन मुझे लिखनी है, तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, देखो The work done in displacing a unit test charge from infinity to a point in the electric field ऑफ सोर्स चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो हमने क्या देखा कि अगर हम लोग किसी चार्ज पार्टिकल को
इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, तो इन्फिनिटी से लेके आने में जिस पॉइंट तक लेके आएंगे उस पॉइंट पर वो पोटेंशियल को डिफाइन कर देगा। तो बच्चों हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसकी यूनिट क्या है, ये सारी हमने चीजें देख दी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा कि अगर हमें किसी यूनिट टेस्ट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, जैसे हमने बोला था ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज बोला था हमने, E इज इक्वल टू 1/4πε0qr² आया था, तो वैसे ही हमें पोटेंशियल पढ़ना है। अब पोटेंशियल के बारे में मैं एक चीज और तुम्हें बता देता हूँ, दो चीजें ध्यान लगाना बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल ध्यान से सुनिए क्या बता रहा हूं मैं। पहली बात पोटेंशियल के बारे में, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर। तो अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ी थी, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कैसी थी, आपके पास दोनों की दोनों वेक्टर क्वांटिटीज थी, और आपका जो ये है पोटेंशियल वो स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब हो गया कि अगर आप डिराइव करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अगर प्लस क्यू लिखा है तो प्लस क्यू का साइन लोगे, माइनस क्यू लिखा है तो माइनस क्यू का साइन लो, क्योंकि स्केलर है, डायरेक्शन की तो बात करेगा नहीं, तो यहाँ पे क्यू के लिए प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस क्यू है तो प्लस क्यू लिख दोगे, माइनस क्यू है तो माइनस क्यू। तो पहली बात स्केलर क्वांटिटी, और दूसरी बात आपको आपको करना क्या है कि फॉर प्लस क्यू आप यू विल यूज प्लस क्यू साइन, और अगर माइनस क्यू है तो माइनस क्यू के लिए, जैसे हम लोग लिख रहे थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0qr² लिख रहे थे, तो प्लस क्यू था तब भी क्यू लिख रहे थे, माइनस क्यू था तब भी, ऐसा यहाँ नहीं होगा। पोटेंशियल में अगर प्लस क्यू है तो यहाँ पे प्लस क्यू ले लोगे, अगर माइनस क्यू है तो माइनस क्यू ले लोगे। तो बच्चों ये हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। थैंक यू।